Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now our today's topic is relative pronoun. ये second category थी pronoun की. पहले हमने video में personal pronoun को discuss किया. आज हम अभी इस video में relative pronoun को discuss करेंगे. और relative pronoun is a word that does the work of a conjunction as well as a pronoun. एक relative pronoun जो होता है वो एक कंजंक्शन के तौर पर भी काम करता है और प्रोनाउन के तौर पर भी. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिली. द डॉक्टर इज माई नेबर, डॉक्टर मेरा हमसाया है. आई मेट द डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिली एंड ही इज माई नेबर, और वो मेरा हमसाया है. यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह हमने सेंटेंस को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन एंड लगाया और डॉक्टर की जगह हमने प्रोनाउन ही यूज किया है. अब हम देखेंगे कि किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इस सेंटेंस में होगा. आई मेट द डॉक्टर हु इज माय नेबर, मैं डॉक्टर से मिली जो मेरा हमसाया है. ये आपका अब यहाँ पे सेंटेंस से समझ आ रही है कि वो किस तरह कंजंक्शन के साथ साथ और वर्क ऑफ अ कंजंक्शन भी करता है रिलेटिव प्रोनाउन, और दूसरे प्रोनाउन की जगह भी इस्तेमाल होता है. ये यहाँ पे देखें, हमने रिलेटिव प्रोनाउन एंड को भी हटाया, यहाँ पे सिंपल प्रोनाउन हमने जो हमारा था पर्सनल प्रोनाउन ही उसको भी हमने हटाया और जस्ट वन वर्ड को राइट डाउन हमने कर दिया हु को. अदर रिलेटिव प्रोनाउन्स आर हु, हूज, whom, which and that. Number one पे है हमारे पास use of relative pronouns. Who and whom are used for persons only. Who or whom जो है वो सिर्फ persons के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. For example, number one, God helps those, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं. हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं. नंबर टू है, दिस इज द बॉय, ये एक लड़का है. हूँ ऐसा नियर द ब्रिज, जिसे मैंने पुल के पास देखा. ठीक है, हूँ हो गया जिसे. नंबर टू पॉइंट है, हूज इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स विदाउट लाइफ. Whose persons के लिए इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ ऐसी चीजों के लिए जो बेजान होती हैं, things without life जो हों. इसमें number one example है हमारे पास, the boy whose bicycle has been stolen, लड़का जिसकी साइकिल चोरी हो चुकी है या चोरी हो गई है, is weeping, रो रहा है. Number two है, construct a triangle, एक ट्राइंगल बनाओ. हूज साइड्स आर इक्वल, जिसकी साइड्स बराबर हों. नाउ फर्स्टली वी हैव एग्जांपल ऑफ विच. विच का मतलब होता है जो के. विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स. विच जी इस्तेमाल होता है एनिमल्स यानी जानवरों के लिए एंड लाइफलेस थिंग्स बेजान चीजों के लिए. इसमें सेंटेंस एग्जाम्पल है हमारे पास, द मोमेंट which is lost, लम्हा जो खो गया, is lost forever, वो हमेशा के लिए खो गया. तो यहाँ पे हमने which का इस्तेमाल किया है. which का मतलब होता है जो के. Now we have second example, this is the cow, ये गाय है, which gives ears of milk every day, जो रोजाना बहुत ज्यादा दूध देती है. तो यहाँ पे देखें animals के लिए भी हमने which का word use किया है. Now we have fourth point, इसमें that के इस्तेमाल बताया गया. That is used for persons as well as things, के that जो है वो persons के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ चीजों के लिए भी यानी things के लिए भी. तो sentence number one है इसकी example के लिए, all that glitters is not gold, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसका ये मतलब है. और वी हैव सेकंड सेंटेंस, अनइजी लाइज द हेड,
अनइजी तो कहते हैं इजी का उलट हो गया अनइजी, इजी कहते हैं आसानी को तो अनइजी हो गया मुश्किल। अनइजी लाइज द हेड, उसका एक ऐसा सर है दैट वेयर्स द क्राउन, जो अपने सर पर ताज पहनता है। तो ये तो हमने इसका लफ्जी तर्जुमा कर दिया, इसका बामुहावरा तर्जुमा बनेगा कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। तो आप जितने भी मुश्किलात से गुजरें, एक न एक दिन इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी जरूर आती है। तो इस इन दोनों सेंटेंसेस में हमने दैट का इस्तेमाल देखा है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि दैट का और क्या इस्तेमाल है। दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और विच। हु और विच के प्रेफरेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से कि आफ्टर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद इन द सुपरलेटिव डिग्री एज वेल एज आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स मीन वन डिनोटिंग अ पर्सन, एक जो हो वो पर्सन को डिनोट कर रहा हो एंड द अदर डिनोटिंग, और जो दूसरा हो वो एक एनिमल को या किसी चीज को डिनोट या जाहिर कर रहा हो। अब यहाँ पे बात हो रही है जी एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव होता है ना इसम सिफ्त, तो इसम सिफ्त में डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वन होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे बड़ा और ऊंचा दर्जा होता है उसको सुपरलेटिव कहा जाता है, जो सबसे आखिरी दर्जा होता है वो उसके बाद जो यूज होगा। जो हमारे पास ये एग्जांपल भी उसकी मौजूद है, मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। दिस इज द बेस्ट, ये बहुत ही अच्छा है, दैट शी कुड डू, जो वो कर सकी या कर सकती है। अब यहाँ पे आप देखें कि बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो एडजेक्टिव गुड है उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, यानी थर्ड डिग्री है बेस्ट। फर्स्ट वन होती है गुड, सेकंड पे कंपैरेटिव डिग्री में आ जाता है बेटर, और थर्ड डिग्री में आ जाता है बेस्ट। तो बेस्ट के बाद हमने दैट यूज कर लिया है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और उसका डॉग, दैट हैड एंटर्ड द डाइनिंग रूम, जो के डाइनिंग रूम में एंटर हुआ, वर टर्न्ड आउट, दोनों वापस मुड़ गए थे। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे एंटीसीडेंट में कहा गया था कि आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, दो एंटीसीडेंट्स के बाद भी दैट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दो एंटीसीडेंट्स हो गए, इधर से मैन आया और यहाँ पे हिज डॉग, ये दो बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो उसके बाद भी दैट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था हमारा आज का रिलेटिव प्रोनाउंस का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी।